यूपी में सड़कों की 23 बड़ी परियोजनाओं पर जंगल का ब्रेक, सवाल दर सवाल ने धीमी की कई फाइलों की चाल। यूपी में सड़कों की 23 बड़ी परियोजनाओं पर जंगल का ब्रेक, सवाल दर सवाल ने धीमी की कई फाइलों की चाल। NHAI को NOC न मिल पाने से इन पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हर बार फाइल पर कोई नया सवाल लगा दिया जाता है, जिससे परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। यूपी में सड़कों की 23 बड़ी परियोजनाओं पर जंगल का ब्रेक लग गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को NOC न मिल पाने से इन पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इनमें अप्रैल 2021 से पेंडिंग मामले भी हैं। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि हर बार फाइल पर कोई नया सवाल लगा दिया जाता है, जिससे परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। पहली बार में ही सभी सवाल एक साथ पूछ लिए जाएं तो फाइल की रफ्तार काफी बढ़ जाती है। बागपत में NH 709A के मेरठ शामली हरियाणा बॉर्डर तक फोरलेन परियोजना के लिए 10 अप्रैल 2021 को फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक मामला अटका हुआ ही है। इस आवेदन पर इस साल पहले 27 अप्रैल को और फिर 24 मई को क्वेरी लगाई गई थी। बागवत परियोजना इकाई के तहत NH 44 और मुजफ्फरनगर बाईपास में काम में भी फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है। आगरा में NH 503 को मथुरा से बरेली के बीच सुधारने के लिए फॉरेस्ट की NOC के लिए 5 अगस्त 2021 को आवेदन दिया गया था। इस पर 1 नवंबर 2021 से क्वेरी लगाई गई है, इसका जवाब दिया गया तो अब 12 मई 2022 में 5 बिंदुओं की क्वेरी फिर लगा दी गई है। उसी तरह से यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आगरा बाईपास प्रोजेक्ट समेत 3 अन्य प्रोजेक्ट भी फंसे हुए हैं। NH 74 पर बरेली सितारगंज के बीच पहले 28 मार्च 2022 और फिर 28 मई 2022 को वहां के DFO कार्यालय ने संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट न मिलने से संबंधित क्वेरी लगाई, जबकि NHAI का कहना है कि इन मामलों में जवाब क्रमशः 2 मई और 7 जून को दिया जा चुका है।